हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमा मज़ेदार सा। क्या हम घर में बग़ैर पैकेट के कैसे मज़ेदार सा चिकन कौरमा रेडी कर लेंगे? अच्छा जी, उसके लिए हमने जो है ये 4 अदद जो है स्मॉल साइज़ की प्याज थी, ये हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। और ये हमारे पास 1 किलो जो है वो चिकन का गोश्त है। इसके अलावा स्पाइसेस में हमारे पास जो है वो 3 टी स्पून हमारे पास पिसे हुए लाल मिर्चें हैं, 3 टी स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टी स्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक भी हस्बे मुताबिक अपने ऐड कर सकते हैं। 1 टी स्पून हमारे पास जायफल जावत्री है। ये हमारे पास 5 से 6 लौंगे और काले मिर्चें हैं। और ये 2 अदद हमारे पास छोटी इलायची है। और ये हमारे पास जो है 1 पाव के करीब जो है वो दही है। ठीक है जी, ये हमारे पास इन्ग्रीडियंट्स हो गए हैं बीफ चिकन कौरमा बनाने के लिए। तो अब हम झटपट से जो है इसको कर लेंगे रेडी। बहुत ही इजी है ये। अच्छा, हम अपनी दही के अंदर जो है वो ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। ठीक है, फिर आगे की चीज़ मैं आपको बताती हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास ये पेस्ट जो है वो हो गया है रेडी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दही के अंदर हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हमने एक पतीली ले ली है। ठीक है जी, इसके अंदर हम जो है 1 प्याली जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, हम अपनी प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। थोड़ी सी हम इसके अंदर रहने देंगे। ये देखिए, हमारे पास प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन का ऐड कर दूँगी। ये प्याज मैंने लाइट ब्राउन करके निकाल ली है। मैं जा रही हूँ अपना ये लहसुन ऐड करने, 2 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर दूँगी। और ये 1 इलायची हल्की सी तोड़ के ये मैं डाल दूँगी। इलायची से ये होता है कि गोश्त की जो खुशबू होती है, बदबू एक जिसको हम कहते हैं स्मेल जो होती है, वो निकल जाती है। और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैं अपना दही वाला मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास मुर्गे जो है चिकन हो गई है हल्की सी फ्राई। अब मैं इसके अंदर जो है अपना दही वाला मसाला ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद एट द एंड में अपनी प्याज पीस के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो है 5 मिनट्स के लिए रख दिया था ताकि मसाला जो है और मुर्गे में जब्स हो जाए। अच्छा, अब मैंने जो है वो अपनी प्याज जो है वो क्रश कर ली है ब्लेंडर में। अब मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून के फिर मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए ताकि हमारे पास चिकन जो है वो गल जाए। फिर उसके बाद मैं ऐड द एंड एक मज़े की चीज़ डालूँगी जिससे हमारे कौरमे की खुशबू और इन्हेंस हो जाएगी, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊँगी। ये देखें हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं आप लोग, दाना आ रहा है कौरमे में। मेन चीज़ जो है वो दाना आना आता है। ठीक है, जिससे हमारे कौरमे की खूबसूरती इन्हेंस हो रही है। ये मिक्स हो गया, मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि हमारे पास मुर्गी जो है वो गल जाए। तो व्यूअर्स, 10 मिनट्स के बाद हमने देखा तो हमारे पास मुर्गी गोश्त जो है वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ एक मेन इंग्रेडिएंट्स लास्ट, वो है रूह कैवड़ा के आप 4 से 5 ड्रॉप जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद जो है वो आप ढक्कन ढक देंगे और 1-2 मिनट के बाद अब मैं इसको डिश के अंदर जो है वो सर्व करके दिखाऊँगी आप लोगों को। ये हमारे पास मज़ेदार सा कौरमा जो है वो हो चुका है रेडी। व्यूअर्स, ये हमारे पास मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमा हो गया है रेडी। ये देख लें आप लोग, दाने भी आए हुए हैं सालन के अंदर हमारे। और ये मज़ेदार सा बन चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।